मैं नवीन पालीवाल, माँ भगवती हॉस्पिटल भगवान टागी जागरा, सभी देशवासियों से एवं मेरे अपने आगरा शहरवासियों से निवेदन करता हूँ कि होली के त्यौहार को सौहार्दपूर्वक मनाएं एवं गुलाल का प्रयोग करें और सिंथेटिक रंगों का प्रयोग न करें और प्रेम पूर्वक होली के त्यौहार को आपस में गले मिलकर मनाएं। समय हॉस्पिटल में दूरबीन विधि द्वारा हड्डी के समस्त ऑपरेशन, जोड़ प्रत्यारोपण, फ्रैक्चर एवं हड्डी रोग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हिस्टेक्टोमी, रसौली, अपेंडिक्स, प्रोस्टेट पित्त की थैली, हर्निया जैसी अन्य गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं दूरबीन विधि द्वारा। 24 घंटे एक्सरे की सुविधा एवं अन्य सुविधाओं से लैस समय हॉस्पिटल, गिरिराज पेट्रोल पंप के पास, रामबाग, आगरा। आगरा में ताज महोत्सव 18 तारीख से 27 तारीख तक हो रहा है। ताज महोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तमाम तरह के होंगे। कलाकार यहाँ बॉलीवुड से आते हैं, तमाम स्थानीय कलाकार भी भाग लेते हैं, तमाम तरह की स्टॉलें लगती हैं। आज कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एक पहल हो रही है। मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भारती हैं, मैं उन्हीं से जानूंगा, नोडल अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, किस तरह का धूम्रपान को लेकर ताज महोत्सव में वो एक कार्यवाही जो की जाती है वो करेंगे। जी, जानना चाहूंगा आप किस तरह का ताज महोत्सव को लेकर एक प्रोग्राम तय किया है आपने और किस तरह की एक भूमिका तय की। जैसा कि आपको पता है कि धूम्रपान करना उस व्यक्ति के लिए भी हानिकारक है जो धूम्रपान कर रहा है, तथा उसका जो धुआं निकलता है वो दूसरे के फेफड़े में जाता है तो उसके लिए भी हानिकारक होता है ये। तो इसके तहत जो है जिला तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का एक टीम वहाँ लगाया गया है ताज महोत्सव में, जो आईसी भी कर रही है, प्रसार प्रचार भी कर रही है और परिसर में जो धूम्रपान करते पाए जाते हैं उनका जुर्माना उनसे वसूला जा रहा है। कितना जुर्माना है और लगभग टाइम बाउंडेशन, टाइम ड्यूरेशन क्या रखी है, कितने बजे से कितने बजे तक आप मॉनिटरिंग करेंगे? ये सुबह 10 बजे से 6 बजे तक हमारी स्टॉल कार्यरत रहती है, वहाँ स्टाफ हैं और ये 200 रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान है इसमें। और साथ ही साथ वहाँ पर अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है माइक के माध्यम से, जो अनाउंसमेंट होते हैं ताज महोत्सव के उसमें बीच बीच में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि ये ताज महोत्सव धूम्रपान रहित क्षेत्र है, यहाँ धूम्रपान करना अपराध है और इससे हानि भी होती है, स्वास्थ्य के लिए भी हानि होती है और जो धूम्रपान करते हैं उनको रोका जा रहा है, जुर्माना किया जा रहा है, तथा साथ ही साथ उनकी काउंसलिंग भी की जा रही है कि वो धूम्रपान को किस तरह से आगे छोड़ सकते हैं। इससे पहले ताज महोत्सव में इस तरह के कार्यक्रम नियुक्त किए गए थे या पहली दफा इस तरह के कार्यक्रम धूम्रपान को लेकर अवेयरनेस और जो चालान का पूरा सिस्टम है ये बनाया गया? ये प्रथम बार ताज महोत्सव में ये कार्यक्रम शामिल किया गया है। इससे पहले हमने ताज को स्मोकिंग फ्री बनाया था, वहां पर भी काफी विदेशी सैलानी आए थे, रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया था, आईसी भी की गई थी, तथा इस बार ताज महोत्सव को पूरा धूम्रपान रहित क्षेत्र हमने बनाया है और आगे भविष्य में भी जो बड़े बड़े समारोह होते हैं, मेले होते हैं, गैदरिंग होती है, उन सभी को भी हम धूम्रपान रहित घोषित करेंगे। शासन की तरफ से कोई मैसेज आया धूम्रपान को लेकर तब आपने ये इस बार इस पहल पर अमल किया? शासन की तरफ से ये है कि आगरा हमारा काफी प्रसिद्ध है ऐतिहासिक रूप से, इस पूरे आगरा को ही धूम्रपान रहित हमको बनाना है और इसके तहत जो है सभी कार्यालयों में भी हमने भिजवा दिया गया है, चालान बुक भिजवा दी गई है कि उनके वहां कोई धूम्रपान करता पाया जाता है तो उसका जुर्माना करें, तथा साथ ही साथ आईसी एक्टिविटी भी की जा रही है। कोई नंबर भी छोड़े गए हैं वहाँ पे कि वहाँ अगर बताता है कोई आपको या आम जन में से कोई बताता है, संदेश देता है जिससे कि आप कार्रवाई कर सकें?
हाँ, उसमें वहाँ पर काफ़ी पैम्पलेट्स वगैरह रखे गए हैं जिसमें नंबर लिखे हुए हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी का CUG नंबर पे भी आप दे सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, किसी को कोई शिकायत है तो आप बता सकते हैं उसमें। शुक्रिया अर्थ न्यूज से चर्चा करने के। ठीक, धन्यवाद। तो आप थे मेरे साथ में डॉक्टर वीरेंद्र भारती। ताज महोत्सव को लेकर एक अच्छी जो एक पहल इस बार शुरू हुई है, धूम्रपान रहित ताज महोत्सव होगा और पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, अगर कोई पकड़ा भी जाता है तो उसको उसको उसका चालान भी किया जाएगा। एक अच्छी पहल है, उम्मीद करते हैं कि निरंतर इस पहल पर अमल होगा। कैमरे के पीछे आर एन बघेल, करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज। घर को बनाना है खास तो चले आइए गोयल पेंट के पास। दीपावली पर दीवारों को सजाना है, कमरों को आकर्षित बनाना है, घर में मेहमान आए तो बोले कहाँ से कराया पेंट, कौन सा पेंट, कैसे चमक रही है दीवारें, वाह क्या खूबसूरत वॉलपेपर है, ये कर्टन कहाँ से लाए हो। ग्राहकों के लिए विश्वास का दूसरा नाम बन चुके गोयल पेंट ने 40 सालों में लाखों घर सजाए हैं, वो भी काफी कम दामों पर। तो जल्दी करें और सीधे चले आएं गोयल पेंट, सुल्तानगंज के पुलिया, बाईपास रोड, आगरा पर। निदेशक मुरारी लाल गोयल, मोबाइल नंबर 9897135351।